पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी नेता और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के प्रमुख यासीन मलिक ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस दौरान यासीन ने एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से यासीन मलिक पुलिस वाले पर थप्पड़ जड़ रहे हैं। उनकी देखा देखी उनके समर्थक भी पुलिस वाले को पीटने लगे। राज्य सरकार की ओर से किए गए जमीन आवंटन फैसले के खिलाफ मलिक की पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन के प्रचार के दौरान ये वाकया हुआ। उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर एक अन्य मामले में सेंट्रल जेल श्रीनगर भेज दिया। बीजेपी ने इस मामले पर विधानसभा में विरोध जताने की बात कही है। जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया है और सरकार से मांग की है कि सरकार यासीन मलिक के खिलाफ कार्रवाई करे। अलगाववादी नेता हमारे जवानों के ऊपर को मैन हैंडल कर रहे हैं, हमारे जवानों को डिमोरलाइज करने की ये साजिश है, इसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करे। राज्य की राजधानी श्रीनगर में यासीन मलिक ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया और थप्पड़ मारते देखे गए। इससे पहले मलिक के समर्थकों ने पुलिस वालों से झगड़ा भी किया। इस घटना के बाद उनका प्रस्तावित प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है। वीडियो में पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता यासीन मलिक अपने समर्थकों और पुलिस की झड़प के दौरान पुलिसकर्मी पर हाथ उठाते देखे गए। सैनिक कॉलोनी और कश्मीरी पंडितों के लिए टाउनशिप बनाने की प्रस्तावित योजना का अलगाववादी नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके लिए प्रदर्शन के प्रचार में लगे मलिक को श्रीनगर के मैसूमा इलाके में गिरफ्तार किया गया। 25 मई को गिरफ्तार किए गए यासीन मलिक 3 जून को ही जमानत पर जेल से बाहर आए थे और अब फिर से गिरफ्तारी हो गई। NMF न्यूज की रिपोर्ट।